शिवसेना पंजाब ने संजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की, जिसमें पंजाब उप प्रमुख नरोत्तम मन्हास विशेष रूप से पहुंचे। शिवसेना पंजाब ने पटाखों के गोदाम सुजानपुर व पठानकोट के रिहायशी क्षेत्रों से बाहर लाने की अपील की है। मैं शिवसेना पंजाब तो राष्ट्रीय वाइस प्रधान नरोत्तम मन्हास शिवसेना को देखने जा रहे हैं। दिवाली हफ्ते तक रह गई है, जगह जगह पूरे जिले पठानकोट ईवन के पूरे पंजाब जगह जगह पटाकियां दे स्टॉकिस्ट जिन्होंने समान पटाके लैके स्टॉक किए दा है, सानू समझ नहीं आती क्या वो स्टॉकिस्ट जिहड़े है रजिस्टर्ड है सरकार को। जे रजिस्टर्ड नहीं, असी सरकार नू इस चीज़ की बेनती करांगे कि उन्होंने कम से कम इनफॉर्म करके रजिस्ट्रेशन चार्जेस ले जाण ताकि गवर्नमेंट नू रेवेन्यू मिले। दूसरी गल, उन्हां दी अगर उन्होंने उत्थे गोदाम दे विच स्टॉक किया तो क्या उत्थे फायर फाइटिंग दे प्रिकॉशनस मेजर ले गए है? अगर नहीं है तो उन्होंने वो मेजर लेने चाहिए। असी नहीं चाहते कि कोई इस तरह की जिस तरह हुण दशहरे ते एक मिस हैपनिंग हुई है रेल हादसा, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। साड़ी उन्होंने दिवंगत आत्मा नू साडा परमात्मा अगे अपील है कि उन्होंने शांति बख्शे, साड़ी संवेदना उन्होंने नाल है। पर मिसाल चाहता है कि असी कोई भी इस तरह का हादसा पंजाब दे विच नहीं होने देना चाहते कि पटाकियां की वजह नाल कोई मिस हैपनिंग हो जाए। पिछले दिनों च सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी है कि 8 बजे तो लैके तो 10 बजे दे विच तुसी पटाके चला सकते हो। ये फैसला इस करके जारी किया गया पल्यूशन नू कंट्रोल करने वास्ते। सानू एक चीज़ की समझ नहीं लगी, क्या एक दिन अगर पटाके चलाने नाल पोल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? असी कहने हैं कि जे एक दिन के नाल पोल्यूशन वधा है तो मेरा ख्याल है असी 8 तो 10 भी पटाके नहीं चलावांगे, ना ही अपने इलाके चलन देंगे। तो जे एक दिन के पोल्यूशन वधदा घटदा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट नू एहो जिहियां हिंदू त्यौहारां दे उत्ते कोई भी बंदिश लागू नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट साडा एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उहनां दा हर फैसला साडे सिर मत्थे है। पर असी ये चाहवांगे किसी भी हिंदू त्यौहारों के उत्ते सुप्रीम कोर्ट इस तरह दीयां बंदिशां ना लगाउण। कारण है इस तरह के होर भी बहुत फैसले ने जिदे विच सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा है अपने ठीक है फैसले सुना रहे ने। असी कहने जिहड़े करन वाले फैसले है उन्होंने मेन मुद्दा मुख्य मुद्दा रखा जाए। असी देखिया अयोध्या मसला अज 4 साल होण नू आए है, साडी केंद्र दे विच बैठी सरकार ने सरकार बनाने वास्ते इस चीज़ को लैके चले ही कि अं मंदिर बना के उत्ते दसांगे श्री राम मंदिर, लेकिन अज तक नहीं बनया। चलो आप इस चीज़ को कहांगे कि ठीक है, अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उत्ते यह गल छड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट को जल्द यह फैसला लैके इस चीज़ को कार्यान्वित रूप देना चाहिए। दूसरी गल, जिहड़े इलाके दे विच पंजाब दे विच अगे आउंदी दिवाली ते मिस हैपनिंग मंदभागी घटना रोकण वास्ते किसी भी किस्म के जिहड़े स्टॉकिस्ट ने उन्हां दी एक रजिस्ट्रेशन की जाए। दूसरी गल, जिहड़े अगे प्रचून विक्रेता ने उन्हां नू एक जगह निश्चित की जाए, एक जगह उत्थे पटाका लगाया जाए, चाहे वह शहर च ने चाहे वह किसी कस्बे च ने, एक जगह पटाका लगा के उत्थे उहदी सेल की जाए। आम पब्लिक नू भी गुजारिश है किसी भी चलती दुकान तो कोई पटाका ना खरीदन। कोई भी मिस हैपनिंग किसी नाल भी हो सकती है, या किसी ते नहीं लिखा कि मौत कि आनी है। साडी सारे इलाका वासियों को बेनती है, हथ मन के अपील है, दुकानदारों नू भी अपील है कि पटाकियां दा जिहड़ा कस्टमर नू देण दा एक सही तरीका अपनाया जाए जिहदे नाल सरकार दा भी साथ दिता जाएगा ते पब्लिक दी भी सुरक्षा होएगी। जय हिंदू राष्ट्र, जय पंजाब, जय हिंदू राष्ट्र। मैं संजीव शर्मा शिवसेना पंजाब तो अज एक बड़ा ही वड्डा संवेदनशील मुद्दा जिहड़ा हैगा वह हैगा आने वाली दिवाली ते स्टॉक ते गए पटाके नू लैके। अहीं जिला पठानकोट की गल करिए, जिला पठानकोट विच कई अंदरून बाजारां विच कई शहर दे विचों विच इहो जिहे वड्डे वड्डे गोदाम बने हुए है, जेकर रब ना करे उहनां कोई अग लग जाए पूरा पूरा शहर तबाह हो जाए। पर प्रशासन का ध्यान इस पासे बिल्कुल नहीं है। वह क्यों नहीं है असीं इस गल नू ते नहीं जाणदे, पर प्रशासन नू हरकत विच जल्दी जल्दी आ के इड्डे एड्डे गोदामां नू शहरों बाहर कढ़ना चाहिए ताकि कोई वड्डा हादसा ना हो जाए।
क्योंकि हादसा हमेशा हादसा का रूप लैके आता है। तुसी सब जानते हो अमृतसर में रेलवे हादसा होया, बाद कई ने क्या मेला जो कंप अपने कमेटी का अपने कसूर हैगा, किसी ने क्या जी सरकार का कसूर है, किसी ने क्या रेलवे डिपार्टमेंट का कसूर है, जबकि कसूर किसी का नहीं, कसूर सीगा मैनेजमेंट माड़ी होने का, प्रशासन के तरीकों का माड़े होने का सबूत। अज सुजानपुर ले लीए, जुगियाल ले लीए, पठानकोट ले लीए, बिचों बिच चौंका गोदाम बन चुके हैं पटाकों के, अंदर लखा रुपया पटाका है। प्रशासन क्यों समय रेंदे बाहर नहीं कढ़ रहा? प्रशासन क्यों समय रेंदे उन्होंने उपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? क्या प्रशासन ये कोई बेनीफिट है? जो बेनीफिट नहीं है तो चंद पैसों के लालची लोगों जोड़ा अपना थोड़ा जहा फायदा देखने वास्ते शहर में एक बारूद के ढेर तो बिठाया हुआ, जिन्होंने लोगों ने उनके पर सख्त तो सख्त कार्रवाई करके उन्होंने सारे गोदामों जो सील कर दिया जाए, जो शहरों में बाहर कढ़िया जाए, जिसे करके आम लोगों की जो जिंदगी है उन्होंने बिल्कुल सेफ किया जा सके, बिल्कुल यकीनी बनाया जा सके, और एक बड़ा जो हादसा होने का डर है उन्होंने पूरा जड़ों खत्म किया जाए।